हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम एमसी चंडीगढ़ की जो आपकी करंट वैकेंसीज़ अभी जिनके एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का पार्ट थ्री हम लेके आए हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मैथ के एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो आज इस वीडियो में हम करेंगे। तो ये पार्ट थ्री है और जिन व्यूवर्स ने पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा है वो लास्ट वीडियो को देख लें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, एवरेज ऑफ सेवन कंजिक्यूटिव ऑड नंबर इज 11, वट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर। सेवन कंजिक्यूटिव ऑड नंबर है हमारे पास और उनकी जो एवरेज है वो कितनी है, 11 है। यानी कि 11 कहने का मतलब है कि हमारे पास जो 11 है वो मिडल नंबर है। 11 क्या है हमारे पास, मिडल नंबर है, ठीक है। अब 11 अगर मिडल नंबर है तो तीन नंबर इसके यहाँ पर होंगे लेफ्ट साइड और तीन नंबर होंगे राइट साइड, क्योंकि टोटल सेवन ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। तो अगर 11 यहाँ पर है तो यहाँ पर होगा 9, इधर होगा 7 एंड इधर होगा 5। फिर 11 के इस तरफ होगा 13, इधर होगा 15, देन 15 के बाद ऑड नंबर आता है कौन सा, 17। तो ये हमारे क्या है, ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालनी है फर्स्ट थ्री ऑड नंबर्स की एवरेज। फर्स्ट थ्री ऑड नंबर्स की हमें एवरेज निकालनी है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे हम, हमें क्या करना है, फर्स्ट थ्री नंबर्स को ऐड करना है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 5 + 7 = 12, 12 + 9 इज कितना होता है, 21। तो इन तीनों को ऐड करा तो 21 आया, डिवाइड बाय कितने नंबर है हमारे पास, तीन नंबर है, तो डिवाइड बाय थ्री कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 7 से 21, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7। यह हमारे पास क्वेश्चन वन का यानी कि ऑप्शन डी हमारे पास आंसर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ एन एग्जामिनेशन इट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट 33% ऑफ द एग्रीगेटेड मार्क्स टू पास, 33% मार्क्स चाहिए हमें पास होने के लिए। ऋषभ गॉट 135 मार्क्स, ऋषभ को कितने मार्क्स मिले, ऋषभ को 135 मार्क्स मिले एंड डिक्लेयर फेल्ड बाय 6% मार्क्स, और 6% मार्क्स से वो फेल हो गया। वट इज़ द टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने थे। तो हम ऋषभ की बात करते हैं, ऋषभ को कितने परसेंट मार्क्स मिले हैं, ऋषभ को 6%, मतलब कि 135 मार्क्स मिले और 36% मार्क्स से वो फेल हो गया। तो 33% तो उसको पास होने के लिए चाहिए थे, 6% से वो फेल हो गया, तो उसको मिले कितने हैं, यानी कि 27% मार्क्स उसको मिले हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 27% जो मार्क्स उसको मिले उनकी जो वैल्यू है वो 35 मार्क्स है, क्योंकि एक्चुअल में उसको 135 मार्क्स मिले और 1% मार्क्स की हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि 135 डिवाइडेड बाई 27 हो जाएगा। और 100% की अगर, यानी कि 100% टोटल मार्क्स की बात करें तो कितना आ जाएगा, 135 डिवाइडेड बाई 27 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 27 ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा और 5 × 100 कितना आ जाएगा, 500 मार्क्स, यानी कि आपका ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ईजी वे में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ मैन रन्स 50 मीटर्स टू साउथ, एक मैन है जो 50 मीटर साउथ की तरफ जाता है विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। उसकी जो स्पीड है जब वो साउथ डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड है उसकी 10 मीटर पर सेकेंड। इफ़ ही रन्स 100 मीटर नॉर्थ ही स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड। जब वो 100 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है तो स्पीड होती है उसकी 20 मीटर पर सेकेंड। ही इज एवरेज स्पीड इन द होल जर्नी, होल जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यहाँ पर स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्पीड की क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है हमारे पास स्पीड। अब टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर करा, 50 मीटर वो साउथ गया और 100 मीटर नॉर्थ गया, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर करा, 50 मीटर साउथ प्लस 100 मीटर नॉर्थ डिवाइडेड बाय टाइम आता है। तो नीचे टाइम क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब वो 50 मीटर साउथ जा रहा था तो उसकी स्पीड कितनी थी, 10। तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, 50/10 यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, प्लस जब वो नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रहा था तो वहाँ स्पीड कितनी थी, 20। तो 100/20, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हुआ, तो ये टाइम आ गया, ऊपर स्पीड है, ऊपर सॉरी डिस्टेंस है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 150 डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हम पर 5, प्लस यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 5, यहाँ भी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 150 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास, 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि उसकी जो एवरेज स्पीड थी ऑप्शन बी, 15 मीटर पर सेकेंड उसकी एवरेज स्पीड थी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन अ गिवन वेन डायग्राम शोज द पेट दैट ईच हाउस इज इन अ, पेट शो कर रहा है हमारे पास दैट ईच हाउस इन अ सोसाइटी हैज, एक सोसाइटी है उसके, उसमें जो हाउसेज हैं उनके पास ये हमारे पास पेट शो है कर रहा है। हाउ मैनी
हाउ मैनी हाउसेज हैव ओनली टू पेट, इसमें से कितने हाउसेज हैं जिनके पास सिर्फ टू ही पेट हैं। तो अगर हम बात करते हैं सिर्फ ओनली डॉग की, ओनली डॉग, तो ओनली डॉग कितनी सोसाइटी के पास है, 13 के पास, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 13। अगर हम बात करते हैं ओनली पैरट की तो कितना आ जाएगा, 11। अगर हम बात करते हैं ओनली कैट की तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं, हमसे क्या पूछ रहा, हाउ मैनी ओनली टू पेट्स, कि ऐसे कितने हाउस है जिनके पास सिर्फ टू पेट हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ ओनली डॉग एंड पैरट की, डॉग एंड पैरट, तो डॉग एंड पैरट कितना है हमारे पास, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 6 है, जिनके पास सिर्फ डॉग एंड पैरट हैं तो वो है 6। अब हम बात करते हैं किसकी, ओनली डॉग एंड कैट, तो डॉग एंड कैट की बात करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, हमारे पास 8 आता है, क्योंकि सिर्फ कैट और डॉग किसके पास हैं, सिर्फ 8 हाउसेज में हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ओनली कैट एंड पैरट, तो कैट एंड पैरट कितने हाउसेज के पास है, सिर्फ 2 हाउसेज के पास है। तो टोटल ओनली, सिर्फ क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी हाउसेज हैव ओनली टू पैट्स, सिर्फ 2 पैट्स कितने हाउसेज के पास है, तो इसको हम ऐड कर देंगे, 6 + 8 कितना हुआ, 14, फर्स्ट 14 प्लस 2 कितना हुआ, 16, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो 16 हाउसेज ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ क्या है, ओनली टू पेट्स हैं। तो इस तरह से एक वेन डायग्राम था आपको दिया गया था, इसका आपको आंसर निकालना था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द मीन ऑफ 5, 7, 8, 10 ए एंड बी इज 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बी माइनस ए इज इक्वल टू। ठीक है ना, हमारे पास जो हमारे पास ये दे रखा है और ए बी माइनस ए हमें दे रखा है और हमें ए निकालना है। तो हमें पता है कि मीन क्या होती है, हमारे पास एवरेज होती है, यानी कि 5 + 7 + 10 + a + b, ये टोटल कितने नंबर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर्स हो गए ये, तो डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे हम इसे। ठीक है, नाउ इनकी जो एवरेज है, एवरेज कितनी है इनकी, 9 है, एवरेज है 9, तो यहाँ से ये इधर मल्ट, सॉरी 6 नंबर्स हैं, 5, 7, 8, 5, 7, 8, 8 नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 8 भी आएगा, प्लस 10 प्लस, ये इस तरह से होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6, तो ये 6 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इनको हम ऐड करते हैं ऊपर को, 5 + 7 = 12, 12 + 8 = 20, 20 + 10 = 30, तो 30 + a + b डिवाइडेड बाय 6 = 9। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 + a + b, ये 6 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 54। अब हमें पता है यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, ए प्लस बी की वैल्यू निकाल लेंगे, हम यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 54 - 30, तो यहाँ से a प्लस बी कितना आ जाएगा हमारे पास, 24। तो a प्लस बी हमारे पास 24 है, ये इक्वेशन 2 हो गई, और इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, b माइनस a हमारे पास इक्वेशन थी इज इक्वल टू 2, तो ये होगी इक्वेशन 1। नाउ अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, अगर हम a से a कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो यहाँ से 2b आ जाएगा, 2b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 + 2 = 26, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26 / 2, यानी कि इसको काटेंगे तो 13 आ जाएगा, b आ गया 13। और अगर b 13 है तो हमें क्या निकालना है, a निकालना है, तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो b माइनस a 2 है, b की वैल्यू 13 आई है, माइनस a इक्वल टू 2, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 - 2, यानी कि 11। तो ऑप्शन a आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि a की वैल्यू कितनी है, 11 है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरह से होना था, आपको पता होना चाहिए था कि मीन क्या होता है, मीन एक एवरेज फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो कि आपके एमसी चंडीगढ़ और DSSSB के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को अगर आप कंटिन्यूटी में ये सीरीज़ चाहते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।